ये टाइगर शार्क समुद्र में शोध कर रही हैं। ये बहामास में उग रही समुद्री घास के बड़े बड़े मैदान माप रही हैं। सैटेलाइट समुद्र तल में घास का घनत्व तो नहीं माप सकती, इसलिए शोधकर्ताओं ने डेटा इकट्ठा करने के लिए टाइगर शार्कों पर कैमरे लगाए हैं। उन्होंने पाया कि बहामास में समुद्री घास पुर्तगाल जितने इलाके में फैली हो सकती है। ये जानकारी जलवायु संबंधी कदम उठाने में मदद करती है। अन्य तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों की तरह समुद्री घास और उसके नीचे की तलछट बहुत सारा कार्बन इकट्ठा करती है, इतने ही इलाके में फैले जमीनी जंगलों के मुकाबले कहीं ज्यादा। लेकिन दुनिया भर में समुद्री घास सालाना 1.5% की दर से खत्म हो रही है। समुद्री घास के संरक्षण और बहाली में निवेश करने के लिए बहामास ब्लू कार्बन क्रेडिट ऑफसेट बाजार स्थापित करने पर काम कर रहा है। इस मुहिम से टाइगर शार्कों को भी फायदा होगा।